अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी साग। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे मैंने 5 से 6 लहसुन के जवे लेकर उनको काट दिया था मोटा मोटा। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून बटर। अगर आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं या उसको चॉप कर लें। बटर मेल्ट होने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल और मैं लहसुन को इसी ऑयल में फ्राई कर दूंगी 1 से 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद अब मैं इसमें डालूंगी 1 टमाटर। टमाटर मैंने बड़ा लेकर उसको काट दिया था। अगर आपके पास मीडियम साइज़ के हैं तो आप 2 डाल दें। अब मैं इन टमाटरों को पका लूँगी 2 से 3 मिनट तक, जब तक कि ये गल जाए, अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें 6 हरी मिर्च डाल दूँगी। हरी मिर्चों को भी मैंने मोटा मोटा काट लिया था। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ साग। साग को मैंने बॉईल करके मोटा मोटा पीस लिया था। और अब मुझे इसकी क्वांटिटी का अंदाज़ा नहीं है कि ये कितना है। मैंने बस एक बॉल लिया है, जितना मेरी मम्मी ने इसको बना के रखा था वो मैंने डाल दिया है। एक बॉल की क्वांटिटी से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये कितना है तो ठीक है, वरना आप भी जाके अपनी अम्मियों से पूछ लीजिएगा। अब बस मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसमें मसाले डाल दूँगी। नमक जाएगा हसबे जायका, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्चें कुटी हुई। अब मैं फिर से इसको मिक्स कर दूंगी और मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। अगर आप मिर्चें ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप अपने हिसाब से डाल दें ज़्यादा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप इमली का पानी और 1 प्याली 1 कप के जितनी होती है। मैंने इमली को भिगो के रख दिया था। अब मैं बस इसको मिक्स करके उसका पानी डाल रही हूँ। अगर आपके पास इमली का पेस्ट है तो वो फिर आप डाल दें, लेकिन वो कम ही डालिएगा वरना खट्टा हो जाएगा सारा। और अब आखिर में मैं इसमें डाल रही हूँ दूध की मलाई। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी, 3 टीस्पून ही डालूँगी मैं। और अब बस मैं इसको रख दूंगी 5 मिनट के लिए ताकि इसका जो पानी है वो सारा जो है वो सूख जाए। पाँच मिनट बाद अब ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं बस इसको डिश आउट कर लूँगी और ऊपर से जो है वो इस पर मक्खन का टुकड़ा रख दूँगी थोड़ा सा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।